एवरीवन, तो हम लोग नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो हम लोग अभी तक त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज का सूत्र देखे थे, क्या साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, लेकिन इनवर्स वाला नहीं देखे थे। देखो साइन थीटा अगर मैं बोलूं साइन एक्स तो वो त्रिकोणमितीय, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। तो ध्यान से देखना, तो इसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे dy dx साइन इनवर्स एक्स, एकदम इजी है ना, याद करने का तरीका एकदम इजी है। और d by dx साइन के बाद क्या, कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या है अभी मैं बताऊंगा ना, सब बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य तो रखो। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, dy dx साइन कॉस टेन, ये टेन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स और dy dx साइन कॉस टेन के बाद क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। अब बचा क्या, सेक और कॉसेक बचा। हाँ, यहाँ यहीं पर लिख लेते हैं, चलो d by dx साइन कॉस टेन, कॉट सेक इनवर्स एक्स। ध्यान से देखना, इसमें घात में माइनस लग रहा है, d by dx कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आप लोग कॉपी में ना सबसे पहले क्या करना, त्रिकोणमिति का लिख लेना कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो रहा है देख लेना, अगल बगल लिख लेना, याद करने में आप लोग को सहायता मिलेगा। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 − x²। क्लियर है क्या, ये याद हो गया, 1/√1 − x²। इसमें भी ये सेम होता है, बस माइनस लगा दो, इसको सेम उतार दो, 1 − x², बस यहाँ पे माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो, हो गया। चलो इन दोनों का काम तो हो गया। अब इन दोनों का काम करता हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 + x²। तो ये भी याद हो गया आपको, सेम उतार दो, बस माइनस कर दो, इसको ऐसे ही उतार दो, 1/√1 + x², यहाँ माइनस कर दो, हो गया। अब इन दोनों का काम करते हैं, d by dx sec स्क्वायर x का बताऊँ क्या होता है, 1/√x·√x²−1। अब ये थोड़ा सा याद करने में आप लोग को डर लग रहा होगा, लेकिन मैं बोला ना प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, ये याद हो गया, तो इसको ऐसे ही लिख दो, बस माइनस लगा देना, 1/√x·√x²−1, बस माइनस लगा दो यार, बस माइनस लगा दो, हो गया ये फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज करा दिया, तीन क्वेश्चन बस कराऊंगा इसमें, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और सफिशियंट। तो चलो क्या बोल रहे हैं, वाई देखो अब इनवर्स में आया ना, इनवर्स में जब आता है तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, देखो इनवर्स आया, घात में माइनस लगा, तो इनवर्स जब आता है तो इस फॉर्मूला या फॉर्मूला आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बोल रहा है वाई बराबर इतना है, तो dy/dx हम लोग को बताना है, ये वही पूछा है, डिफ्रेंसिएशन ही पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो ये क्या दिया हुआ है, वाई साइन इनवर्स 2x 1 + x², ठीक, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy/dx, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में हम लोग करना है, तो d by dx साइन इनवर्स 2x 1 + x²। अब ये ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, मेरे को साइन इनवर्स x का मालूम है, तो ये साइन इनवर्स 2x + 1/ इतना है, तो इसको x मानने की गलती मत करना, वो तो हो तो उससे भी जाएगा, अगर आप इससे x मानोगे तो एक बार मान के देखना, तो जब इसका उधारी जब चुकाओगे ना, इसका जब उधारी चुकाओगे तो फिर किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो फिर u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे केस में थोड़ा दिमाग लगाना। तीन क्वेश्चन लूँगा, तीनों में यही करना है आपको, देखो तो क्या करो, एक्स को बताऊँ क्या करो, आप लोग यहाँ पर मान लो x को क्या करो, और यही क्वेश्चन आया है ना, तीन क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है, तीन में से एक क्वेश्चन फंस रहा है, और कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ रहा है। तो x की जगह क्या कर लो, माना x = tan थीटा,
tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan inverse x, ठीक है, ये थीटा है, tan को इधर फेंके, ऐसे रफ लैंग्वेज में बोलते हैं tan को इधर फेंके तो tan इनवर्स आ गया, ये आप लोग को मालूम है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता, दोनों पक्षों में tan इनवर्स का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स से tan रफ लैंग्वेज में कटता है, ठीक है, तो ये आया, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इसके बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कर चुका हूँ, तो एक्स बराबर tan थीटा मैं माना, तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे tan थीटा रख देते हैं, यहाँ पे मत रखना भाई, यहाँ पे मत रखना इसमें, ठीक है, तो ये आया dy by dx, यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे tan थीटा रख रहा हूँ, तो ये होगा sin inverse 2x है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, x की जगह में क्या रखा है, x की जगह में रखा है tan थीटा, अब ये फॉर्मूला होता है, बताऊँ किसका फॉर्मूला होता है, dy by dx, ये हो गया साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है बताऊँ किसका, साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो dy by dx क्या आया, क्या होता है, साइन इनवर्स x, साइन टू थीटा क्या होता है, 2 थीटा, रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये और ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आप लोग को मैं बताया, ये तो रेंज पे डिपेंड करेगा कि 2 थीटा आएगा कि नहीं, ये रफ लैंग्वेज में ऐसे करते हैं, लेकिन काट के मत लिखाना, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यहाँ पे जो है उसको लिख देते हैं, रेंज पे डिपेंड करता है, अभी इसमें रेंज की बात नहीं करूँगा, तो आ गया क्या, 2 थीटा, तो ये देखो 2 dy by dx, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x, बस ध्यान से आप लोग देखते जाना, क्वेश्चन हो गया, tan इनवर्स x, ध्यान से देखते जाओ, तो ये मैं ऐसे टाइप का करवाया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे dy dx का भी साइन लगते जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो dy dx है ना, उसका साइन मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, तो dy dx का साइन सब जगह भी लगाएंगे, तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये इसको अभी थोड़ा सा हटाया मैं, यहाँ पे ये dy by dx यहाँ पे भी है dy dx, ये है dy by dx, ये है dy dx, ठीक है, यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू dy dx, ठीक है, थीटा की जगह मैं थीटा की वैल्यू रखा, तो ये dy by dx इज इक्वल टू dy dx, क्लियर है क्या, अब ये दो को बाहर फेंक दूंगा, ये dy by dx इसी की तो वैल्यू निकालना है, ये वैसे चलता रहेगा, दो को इससे बाहर फेंका तो dy dx tan इनवर्स x आया, tan इनवर्स x, क्या इसका फॉर्मूला मालूम है tan इनवर्स x का, हाँ सर, तो सर ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू ये दो का दो गुणा tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखे मैं थोड़ा इसको इमेज में याद कर रहा था, मैं रटा नहीं हूँ, तो मैं मेरे आँख में ये इमेज बस गया, तो मैं रटता नहीं, वो उस इमेज को सोचता हूँ, बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया हूँ ना, तो ये इमेज बस गया, तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली मेरा dy by dx का आंसर आया 2 गुणा 1 क्या होगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हुआ, देखो ऐसा, ये मेरा आंसर हुआ, क्या आप लोग को ये पता था क्या, कैसा लगा ये क्वेश्चन बताओ आप लोग को, बढ़िया, ऐसा करते हैं, तो ठीक है, एक क्वेश्चन सेम वही मेथड करना है, तो मैं लिखा यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करना है dy by dx, क्योंकि मेरे को dy by dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो dy dx ये है सर कॉस इनवर्स सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर अब क्या करना है, x की जगह tan
एक्स की जगह मैं लिखा टेन थीटा, यहाँ पे लिख दो माना, ये हो गया माना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है क्या डाल दो, टेन थीटा डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है थीटा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह टेन रख दो तो टेन स्क्वायर है थीटा। अब वो भी सूत्र होता है, वो भी सूत्र होता है, वही सूत्र तो आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स रफ लैंग्वेज में बोलते हैं ये और ये कट गया, काट के नहीं दिखाना, ये और ये कट गया तो ये आएगा ऐसे करके बोलते हैं, है ना, तो ये काट के मत दिखाना भाई, ऐसे कटता नहीं, ठीक है, इसको ऐसे डिराइव करते हैं तो ये आता है और रेंज पे डिपेंड करता है। तो थीटा की वैल्यू में रख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये थीटा की वैल्यू में रख दिया, क्या है थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। दो को बाहर फेंक दिया मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो को बाहर फेंका डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो बन गया ना, अब क्या आएगा ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू का टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का मालूम है कि हाँ सर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सर ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, इससे पहले भी यही आया था क्या, और ऐसे करके ये करते जाने ना, हर स्टेप में करते जाना, हर स्टेप में करते जाना, ये आप लोग हर स्टेप में करते जाना, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें भी यही करना है, लास्ट क्वेश्चन। तो अब इसको डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट कर दूँ तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स की घात तीन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं, एक्स की जगह माना, माना क्या एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, चलो एक्स की जगह क्या रख दो टेन थीटा रख दो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स, रख दो ना यार एक्स की जगह टेन थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन की घात तीन थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन की घात टू थीटा। ये भी सूत्र होता है, ये भी बताऊँ किसका सूत्र होता है, ये भी किसका सूत्र होता है, ध्यान से देख लो, ये सूत्र में आप लोगों का भी ध्यान ही नहीं जाता और पेपर में ये आता है, ये सूत्र होता है टेन थ्री थीटा का, याद रखना। तीन क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन में साइन टू थीटा का सूत्र लगा, दूसरे क्वेश्चन में कॉस टू थीटा का सूत्र लगा, तीसरे क्वेश्चन में टेन थ्री थीटा का सूत्र लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये कट के बोलते हो यार, नहीं होता रैंडमली, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, ये कट गया, काटना वाटना मत, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ये और ये कट गया, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बताया हूँ, पर आप लोग ऐसे ही समझे हो कि ये और ये कट के ये आता है, ये गलत है एक्चुअली। डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं डी वाई डी एक्स थीटा की वैल्यू रख दूँ, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब मैं क्या किया, तीन को बाहर भेज देता हूँ, तीन को बाहर बोल दिया मैं, जा यार घूम क्या, तो ये डी वाई डी एक्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सबको मालूम है, तो क्या आया फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये तीन का तीन, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा तीन गुणा एक तीन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा वैल्यू, बोलो है क्या कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, ये लो, और वीडियो भी ख़त्म।
और वीडियो भी खत्म। तो देखो तीन क्वेश्चन में मस्त कराया आप लोग, मस्त हेडिंग डलवाया, प्यार से फॉर्मूला लिखाया, तीन फॉर्मूला आप लोग को याद करना था। एक तो अगर ये हो गया तो इसमें माइनस लगाना है, ये हो गया तो इसके बाद वाले में माइनस लगाना है, ये हो गया तो इसके बाद वाले में माइनस लगाना है। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं। अब तीन क्वेश्चन लगाया मैं, बताया मैं, और ये तीन क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, तो हम मैं इसमें आप लोग को एक फॉर्मूला बताया। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोग को क्या रखना है, थोड़ा बहुत याद रखना है। क्या फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ये देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये ना इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखना भाई, याद कर लो। और यहाँ पे देखो ये किसका फॉर्मूला हो रहा है भाई? ये सर, ये ना इसका फॉर्मूला हो रहा है, याद कर लो भाई, याद कर लो, हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये बड़ा सा फॉर्मूला किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। अपने आँखों में बसा लो भाई, आँखों में बसा लो पूरा, क्या कैसा हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट कराया, तो अब इसको ना करो, है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना और परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से करो। लास्ट तक गिव अप मत करना, लास्ट तक गिव अप मत करना बोला मैं। तो मिलते हैं हम लोग एकदम मतलब एनर्जेटिक होके मिलेंगे, ऐसे नहीं कि आप लोग एकदम मजबूरी में पढ़ रहे हो, नहीं, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ते हो और मेहनत आप लोग करोगे, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।